ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे नए टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मैंने नोट यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, इसके बाद प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव में लिखा होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएं, लिखा भी है बनाओ, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड ये नोट करेंगे। ऐसे में कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इम्पोर्टेंट सेंटेंस देंगे आपको, जिन्हें आप पढ़ें और समझें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ही हैज ब्रोकन माई चेयर, उसने मेरी कुर्सी को तोड़ दिया है, ये एक्टिव हुआ, माने उसने मेरी कुर्सी को तोड़ दिया है। तो किसे तोड़ा है? कुर्सी को, क्या तोड़ा है? मेरी कुर्सी को तोड़ा है। तो यहाँ पजेसिव है माई चेयर, ये सिंगुलर में है, तो आपको हैज बीन ब्रोक, यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं से लाएं, इसमें स्वयं दिया जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ वही लिखा है बाई ही का हेम कर देते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा जैसे दे रहा हूँ, द वॉइस हैव नॉट क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर, लड़कों ने फर्श को साफ नहीं किया है, ये नेगेटिव सेंटेंस में है, तो करेंगे पैसे में द फ्लोर हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय द बॉयज, ये आपको नोट करना है, समझना है। ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज होते हैं डब्ल्यू एच टाइप के भी, और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव कि हैव, ये जैसे स्टूडेंट्स हैव दे नॉट शट द डोर, क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है? तो इसे आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैज, सबसे पहले इंटरोगेटिव देखो वर्ड यस और नो टाइप क्वेश्चन से प्रारंभ है, तो यहाँ पर हैज द डोर नॉट बीन शट बाई देम, याद रखें। इस तरीके से आपको नोट करना है और समझना है कि ये एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाएं। आप अच्छी तरह से बनाएंगे और समझेंगे फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो एक सेंटेंस और मैं दूंगा, थोड़ा हटके दूंगा, अच्छे दूंगा जो आप समझेंगे। देखो जैसे ही हैज लेट मी गो, इस तरीके का अगर कभी सेंटेंसेस दिया हो तो इसमें टू नहीं लगता, क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्टिव से पैसिव जब लाए तो आई हैव बीन, आई हैव बीन लेट गो, ये आपको सेंटेंसेस इस तरीके से इसकी पैसिव बनाना है। और अगर इस तरीके से कोई बाकी पैसिव दे एक्टिव से, जैसे ही हैज मेड मी लाफ, अगर कर दे उसने जैसे मुझे हंसाया है, तो पैसे में करेंगे हम यहाँ से उठाएंगे मी का सब्जेक्ट, यहाँ जब ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हैव बीन मेड टू लाफ। आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से याद रखें, और एक्टिव से ये फिर मैं पुनः दे रहा हूँ, विच टीचर, विच टीचर हैज टॉट यू,
कौन से अध्यापक ने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो पैसे में सबसे पहले बाई विच टीचर हैज बीन बाई विच टीचर हैव, ये सेंटेंसेस को समझें, विच टीचर टी ई ए सी एच ई आर, विच टीचर हैज टॉट यू, तो आपको कौन से अध्यापक ने पढ़ाया है, तो बाई विच टीचर हैव यू बीन टॉट, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएं, पैसे बनाएं एक्टिव से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव को किस तरीके से बनाएं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस जैसे मैंने ये आगे भविष्य में भी आपके काम आते रहेंगे, इसलिए मैंने फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर बाई अवधेश सर ये नोट किया है, इसे आप समझें और अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।